विष्णु के वामन अवतार की कहानी, जिसे बौना अवतार के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं की एक आकर्षक कहानी है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में वर्णित चार युगों में से एक त्रेता युग के दौरान महाबली नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। वह हिरण्यकश्यप का वंशज था, जो पहले के युग का एक कुख्यात राक्षस था। बाली अपनी महान शक्ति, उदारता और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था। उसके शासन में दानव साम्राज्य फला फूला और स्वर्ग में देवताओं के लिए खतरा बन गया। बाली की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस करते हुए देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु से संपर्क किया। विष्णु हस्तक्षेप करने के लिए सहमत हुए और बाली की शक्तियों को रोकने के लिए एक योजना तैयार की, जबकि अभी भी उसके गुणों का सम्मान किया जा रहा था। भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप के घर वामन, मतलब संस्कृत में जिसका अर्थ बौना है, नामक एक ब्राह्मण बौने के रूप में जन्म लेने का फैसला किया, जो भक्त और धर्मपरायण थे। अदिति ने भगवान विष्णु को अपना पुत्र बनाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जैसे जैसे वामन बड़े होते गए, उन्होंने असाधारण ज्ञान और बुद्धि का प्रदर्शन किया। एक दिन वे राजा बलि के दरबार में आए, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। बलि अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए एक भव्य यज्ञ कर रहे थे। वामन एक युवा ब्राह्मण लड़के के रूप में प्रकट हुए, विनम्रता के साथ बलि के पास पहुंचे और वरदान मांगा। मुझे उतनी भूमि दे जितनी मैं 3 चरणों में तय कर सकूं। बालक के व्यवहार से प्रभावित और उसकी दिव्य पहचान से अनजान, बलि ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। पुजारियों ने बलि को चेतावनी दी कि वामन कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और वह भेष में भगवान विष्णु हो सकता है, लेकिन बलि उनकी बातों से विचलित नहीं हुआ। बलि की सहमति मिलने पर वामन का आकार बढ़ने लगा। अपने पहले कदम से उन्होंने पूरी धरती को ढक लिया, अपने दूसरे कदम से उन्होंने स्वर्ग को ढक लिया। फिर जब पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो उन्होंने बलि से पूछा कि उन्हें अपना 3रा कदम कहाँ रखना है। वामन की असली पहचान को समझते हुए बलि ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और वामन के 3रे कदम के लिए अपना सिर रखा। वामन ने धीरे से बलि के सिर पर अपना पैर रखा, उसे पाताल में ढकेल दिया। इस प्रकार बलि और उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। हारे जाने के बावजूद बलि विष्णु के प्रति समर्पित रहा। बलि के बलिदान और भक्ति से प्रभावित होकर विष्णु ने उसे वरदान दिया। बलि ने साल में एक बार अपने राज्य और लोगों से मिलने के लिए कहा। विष्णु ने यह इच्छा पूरी की, जिससे बलि को केरल में ओनम के त्यौहार के दौरान हर साल लौटने की अनुमति मिली, जहां उन्हें उदारता और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विष्णु के परशुराम अवतार की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से एक आकर्षक कहानी है, जो मुख्य रूप से पुराणों और महाभारत में पाई जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु पृथ्वी पर तब अवतार लेते हैं जब धार्मिकता में गिरावट और बुराई में वृद्धि होती है, ताकि संतुलन बहाल किया जा सके और पुण्य आत्माओं की रक्षा की जा सके। ऐसे ही एक अवतार योद्धा ऋषि परशुराम है। परशुराम का जन्म
ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। जमदग्नि अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे और उन्हें भगवान शिव ने परशु यानी कुल्हाड़ी नामक एक दिव्य हथियार से आशीर्वाद दिया था, इसलिए उनके बेटे को परशुराम यानी कुल्हाड़ी वाले राम के रूप में जाना जाने लगा। छोटी उम्र से ही परशुराम ने युद्ध और आध्यात्मिक ज्ञान में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। वे भगवान शिव के शिष्य बन गए और विभिन्न हथियारों की महारत और युद्ध की कला सहित मार्शल कौशल सीखा। एक दिन हयहय वंश के एक शक्तिशाली राजा और शासक कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि ने अपने दिव्य गाय कामधेनु के साथ उनका आतिथ्य सत्कार किया। गाय से मोहित होकर कार्तवीर्य अर्जुन ने उसे बलपूर्वक लेने का फैसला किया। परशुराम जो उस समय बाहर थे अपने पिता को परेशान पाकर लौटे और अर्जुन को दंडित करने की कसम खाई। प्रतिशोध में परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के महल पर धावा बोला और उसकी सेना को पराजित किया। अंततः अर्जुन को मार डाला। इस कृत्य ने क्षत्रिय वर्ग के खिलाफ परशुराम के अभियान की शुरुआत की, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह भ्रष्ट और अभिमानी हो गया था। अपने मिशन से प्रेरित होकर परशुराम ने भारतीय उपमहाद्वीप में क्षत्रियों के खिलाफ 21 बार युद्ध किया और पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। उन्हें एक भयंकर योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने अकेले ही अनगिनत राजाओं और सेनाओं को हराया था। गुरु दक्षिणा और भार्गव वस्त्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद परशुराम ने क्षत्रियों की हत्या के पाप से खुद को शुद्ध करने के लिए तपस्या की। वे अंततः एक शिक्षक बन गए और महाभारत के कर्ण सहित अपने छात्रों को अपना ज्ञान दिया। ऐसी ही एक मुठभेड़ के दौरान परशुराम ने कर्ण को अपना दिव्य धनुष प्रदान किया, जिसे भार्गव वस्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसने महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने मिशन को पूरा करने और अपने शिष्यों को पढ़ाने के बाद परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए, जहां वे अभी भी किंवदंती के अनुसार ध्यान करते हैं और विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक पूजनीय व्यक्तियों में से एक भगवान राम की कहानी। भगवान राम को भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। दशरथ की तीन अन्य पत्नियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और मांडवी, जिनसे क्रमशः भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। राम सबसे बड़े थे और उनके पिता और अयोध्या के लोगों के बीच विशेष रूप से प्रिय थे। राम एक युवा राजकुमार के रूप में भी अपने गुणों, शक्ति और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राजा जनक
यानी सीता के पिता द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान भगवान शिव के दिव्य धनुष को तोड़ दिया था। इस कार्य ने उन्हें सीता का हाथ दिलाया, जो विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार भी थी। हालांकि दशरथ द्वारा कैकेयी, जो अपनी दासी मंथरा से प्रभावित थी, को दिए गए वचन के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था। सीता और लक्ष्मण राम के समर्पित छोटे भाई स्वेच्छा से उनके साथ गए थे। अपने वनवास के दौरान वे जंगलों में रहे, जहां राम ने विभिन्न ऋषियों, राक्षसों और जानवरों का सामना किया, जिससे उन्हें उनका सम्मान और मित्रता प्राप्त हुई। रामायण की महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब लंका, आधुनिक श्रीलंका के शासक राक्षस राजा रावण सीता का अपहरण कर लेता है। इस अपहरण के बाद राम उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिससे वानर राजा हनुमान और उनके सेनापति सुग्रीव के नेतृत्व में वानरों की एक सेना उनकी सहायता करती है। सीता की खोज में राम और उनके सहयोगी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतिम युद्ध राम और रावण के बीच होता है, जिसमें राम अपने दिव्य हथियारों और हनुमान की सहायता से रावण को मार देते हैं। इस जीत को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। सीता को बचाने और रावण को हराने के बाद राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनका वनवास समाप्त होता है और उन्हें अयोध्या के असली राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। इस घटना को दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो रोशनी का त्यौहार है, जो अंधकार यानी कि बुराई पर प्रकाश यानी कि अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राम ने कई वर्षों तक न्याय और धार्मिकता के साथ अयोध्या पर शासन किया, शांति और समृद्धि के स्वर्ण युग की स्थापना की, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है।